नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुंदर अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम सब भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 3x ऋण 5, पहला पद है और दूसरा पद 2x धन 9 का गुणनफल होगा। इनका गुणनफल क्या होगा? तो जब भी आपको ऐसा दो पद दे तो पहले वाले पद की पहली वाली संख्या का इस पूरे के साथ गुणा करना है, फिर जो भी और दूसरा बचता है उसके साथ फिर इसका गुणा करना है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। ये क्या होगा? 3x ऋण 5, ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद है 2x धन 9। अब सबसे पहले 3x का गुणा हम किससे करेंगे? 2x धन 9 से करेंगे। चलिए लिख लेते हैं 3x, यहाँ पे 2x धन 9, ब्रेकेट क्लोज, और यहाँ पे ऋण 5, फिर क्या हो जाएगा? 2x धन 9। अब 3 2 कितना होता है? 6। एक से एक्स का गुना, एक से स्क्वायर, धन 9 दिया 27, एक से है तो x, ऋण 5 2 10 x, धन और ऋण का गुना, ऋण 9 5 45। उसके बाद है 6x स्क्वायर। अब 27 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 27 जो है बड़ा है, इसीलिए धन का चिन्ह लगेगा, और 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17x, ऋण कितना? 45। यही है हमारा आंसर। आगे तो और सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे ओनली संख्या है। तो इसका गुणनफल होगा 6x² + 17x - 45। ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए कितना ईजी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।